हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैरी वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ओके, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में से लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स मन से लिए हैं. मैं जब फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करूँगी तब आप लोगों को समझ जाएगा कि कैरी क्या होती है. देखो 7 + 4 11 होते हैं. तो देखो 7 + 4 11 होते हैं. ये वाला वन हम लोग नीचे लिखेंगे और ये वाला जो वन है वो हम लोग जो नेक्स्ट नंबर्स है उसके ऊपर लिखेंगे. देखो 7 + 4 11. तो देखो ये वाला वन यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला वन यहाँ पे लिखेंगे. तो देखो ये वाला जो वन है उसको हम कैरी बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर्स ऊपर हम लोग लिखेंगे उसको हम कैरी बोलेंगे. ओके, अभी देखो अभी यहाँ पे हम 3 + 7 करेंगे तो उसके अंदर तो उसके साथ हमें 1 को भी ऐड करना है. कैरी भी हमेशा ऐड करनी ही है आप लोगों को. ठीक है, देखो 1 + 3 = 4, 4 + 7 = 11. 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे. देखो ये वाला 1 यहाँ पे लिखा, ये वाला 1 यहाँ पे नेक्स्ट नंबर्स के ऊपर लिखा. तो ये हुई हमारी कैरी. तो देखो 1 + 6 = 7, 7 + 5 = 12. तो हम लोग देखो 12, तो ये 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड ये जो 1 है वो यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. अभी देखो यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है और सिर्फ कैरी है. मतलब यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो भी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर कैरी के साथ ऐड नहीं करना है. समझा आप लोगों को एग्जांपल? पर कैरी हमेशा नेक्स्ट नंबर्स के ऊपर ही देनी है. देखो यहाँ पे 11 है. देखो ये 1 यहाँ पे लिखा तो ये वाला 1 यहाँ पे नहीं लिखना है, नेक्स्ट नंबर्स के ऊपर ही लिखना है. और कैरी हमेशा ऐड करनी है उन नंबर्स के साथ, ये आपको भूलना नहीं है. ओके, ये आपको भूलना नहीं है. अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं. देखो 8 + 7 = 15 आता है. तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे. फिर देखो 1 + 4 = 5, 5 + 5 = 10. तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे. ये है हमारी कैरी. यहाँ पे 1 कैरी है, यहाँ पे 1 कैरी है. अभी देखो इनके एडिशन करते हैं. 1 + 5 + 9, इसका आंसर आता है 15. 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे. अभी देखो यहाँ पे कोई नंबर है 9, तो 1 वैसे का वैसे आएगा क्योंकि इस 1 के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करना है. ओके, तो ये जो ऊपर हम जो भी नंबर्स लिखेंगे उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी. अभी देखो 0 + 9 = 9, कैरी कुछ भी नहीं आएगी. 5 + 7 = 12, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे लिखेंगे. ये है हमारी कैरी. 1 + 6 = 7, 7 + 8 = 15, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1. फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. 9 + 1 = 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा. अभी देखो 1 + 8 + 1 = 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा. अभी देखो 1 + 4 = 5, 5 + 5 = 10, तो 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा. अब ये 1 वैसा का वैसा नीचे आएगा. ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को? अभी देखो नेक्स्ट है 2 + 6 = 8, 4 + 9 = 13, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 यहाँ पे लिखेंगे. अभी देखो 1 + 8 = 9, 9 + 8 = 17, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे भी 1 कैरी है. अभी देखो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, यहाँ पे क्या आएगा, 6. ठीक है, अभी देखो 3 + 7 = 10, 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे 0 कैरी, 1.
वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन। अभी देखो सेवन प्लस सिक्स थ्री, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, तो थ्री यहाँ पे लिखेंगे एंड वन कैरी। ओके अभी देखो वन प्लस वन टू, समझा आप लोगों को। देखो थ्री प्लस सेवन टेन, तो जीरो यहाँ पे कैरी वन। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, अभी यहाँ पे कैरी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सेवन आया है, दो दो डिजिट्स नहीं आए हैं। ओके सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थ्री यहाँ पे कैरी वन, वन प्लस वन टू। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो जीरो प्लस थ्री थ्री, थ्री प्लस फाइव एट, यहाँ पे कैरी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट आया है। अभी देखो फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, तो वन यहाँ पे आएगा कैरी वन। वन प्लस वन टू, टू प्लस नाइन इलेवन, वन यहाँ पे आएगा कैरी वन। अभी ये वन वैसे का वैसा आएगा क्योंकि यहाँ पे कैरी के साथ कुछ भी नहीं ऐड करना है। अभी देखो फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस वन इलेवन, वन यहाँ पे आएगा कैरी वन। अभी देखो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, यहाँ पे ज़ीरो कैरी वन। वन प्लस टू थ्री, अभी ये वन वैसे का वैसा ही आएगा, समझा आप लोगों को। देखो फोर प्लस सिक्स टेन, फिर टेन में वन ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इलेवन, इलेवन। तो वन यहाँ पे लिखा और कैरी यहाँ पे लिखी। अभी देखो वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस सिक्स टेन, तो ज़ीरो यहाँ पे लिखा कैरी वन। वन प्लस टू थ्री, और ये वन वैसे का वैसा आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो कैरी भी नहीं ऐड करनी है और कोई भी नंबर नहीं ऐड करना है। ओके अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जो पेज नंबर 20 पे जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, देखो ये वाली एक्सरसाइज जो पेज नंबर 20 पे है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ये सभी एग्जांपल्स। ओके तो चलो वन बाय वन हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो टू प्लस नाइन इलेवन, वन यहाँ पे आएगा कैरी वन। वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, तो टू यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा कैरी वन। वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन प्लस वन एट, फाइव प्लस फोर नाइन। अभी देखो फोर प्लस फाइव नाइन, एट प्लस सेवन फिफ्टीन, तो फाइव यहाँ पे लिखेंगे वन यहाँ पे लिखेंगे। देखो फिफ्टीन का वन यहाँ पे आया, फाइव यहाँ पे आएगा। अभी देखो यहाँ पे कैरी आई वन। अभी देखो वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस सेवन सेवेंटीन, सेवन यहाँ पे आएगा, वन यहाँ पे आएगा। ओके अभी देखो वन प्लस फोर फाइव, कैरी ऐड करना भूलना नहीं है आप लोगों को, कैरी हमेशा ऐड करनी ही है। ओके अभी थर्ड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। ज़ीरो प्लस नाइन नाइन, फाइव प्लस टू सेवन, एट वैसा का वैसा आएगा, सेवन वैसे का वैसा ही आएगा क्योंकि उनके साथ कोई भी नंबर नहीं ऐड करने हैं। ठीक है अभी देखो ये फोर्थ नंबर का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें ये नंबर्स यहाँ पे अरेंज करने हैं, तो हम लोग सबसे पहले अरेंज करेंगे नंबर्स। देखो फर्स्ट नंबर है 5689। देखो नाइन कहाँ पे आएगा, यूनिट्स प्लेस पे, एट टेंस प्लेस पे, सिक्स हंड्रेड्स प्लेस पे, फाइव थाउजेंड्स प्लेस पे। ओके अभी देखो 135 है तो फाइव यहाँ पे आएगा, थ्री यहाँ पे आएगा, वन यहाँ पे आएगा।
वही देखो नेक्स्ट नंबर कौन सा है 87, तो 7 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, 8 कहाँ पे आएगा यहाँ पे। ओके चलो अभी हम लोग एडिशन करते हैं। देखो नाइन प्लस फाइव 14, 14 प्लस 7 21, तो 1 यहाँ पे आएगा कैरी 2। ओके देखो 21 का 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 कैरी आई है। ठीक है अभी देखो ये एडिशन करके देखते हैं हम लोग। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 8 आंसर आता है 21, 1 यहाँ पे आएगा कैरी 2। इसके एडिशन का आंसर क्या है 21, तो 1 यहाँ पे कैरी 2। अभी देखो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, ये 5 वैसे का वैसा ही आएगा। समझे आप लोगों को? अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के। देखो 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 7 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। अभी 137 है, तो 7 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है अभी हम लोग एडिशन करते हैं। देखो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है अभी देखो 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 3 13, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। ओके अभी देखो 1 प्लस 8 प्लस 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी आएंगे। 1 प्लस 4 5। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो 239 है, 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ओके अभी हम लोग एडिशन करते हैं। 9 प्लस 0 प्लस 0 आंसर 9, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 3 5, वैसे का वैसा है क्योंकि देखो यहाँ पे कैरी भी नहीं है और कोई भी नंबर भी नहीं है कि उसके साथ हम लोग ऐड करें। समझा आप लोगों को? आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि कैरी हमेशा ऊपर ही लिखनी है। ओके और एडिशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड से ही। और आप लोग जब भी कोई नंबर्स की अरेंजमेंट करोगे उनकी प्लेसेस पे, तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से। ओके समझा आप लोगों को? थैंक यू।